फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर आरती मिश्रा। आज हम बात करेंगे कि अगर आपको गॉल ब्लैडर स्टोन की समस्या है, मींस पित्त में थैले की समस्या है, तो आपको अपनी डाइट में किन चीज़ों को ऐड करना चाहिए और किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि आप ये जानते होंगे कि अगर आपको कोई भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप उसे डाइट फॉलो करके भी कम कर सकते हैं या उस समस्या को बढ़ने से रोक सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये वीडियो का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने बात की थी कि गॉल ब्लैडर स्टोन होने के क्या कारण होते हैं, उसके लक्षण के बारे में एंड बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के अंत में आई बटन को क्लिक करके भी आप देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दिए, आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपको किन चीज़ों को अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। तो सबसे पहले, अगर आपको गॉल ब्लैडर स्टोन की समस्या है तो आप अपनी डाइट में नींबू पानी ज़रूर ऐड करें, क्योंकि नींबू पानी में बहुत अधिक मात्रा में विटामिन सी होता है, जो कि हमारे पथरी की समस्या को कम करने में मदद करता है। साथ साथ अगर पित्त में बहुत अधिक कोलेस्ट्रॉल बन रहा है तो उसको भी रोकने में मदद करता है और नई पथरी बनने से रोकने में भी मदद करता है। देन सेकेंड, फाइबर्स जिन चीज़ों में ज़्यादा होता है, आप उन चीज़ों को अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें, क्योंकि जो फाइबर्स होते हैं ये हमारे पित्त में जो कोलेस्ट्रॉल से बनी पथरी होती है उसे नरम करके शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं। तो आप इसमें दाल ले सकते हैं, सब्जियां ले सकते हैं, सब्जियों में आप लौकी ले सकते हैं। लाल शिमला मिर्च बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मानी जाती है गॉल ब्लैडर स्टोन को कम करने के लिए। इसके अलावा फल में आप सेव ले सकते हैं, नाशपाती ले सकते हैं। नाशपाती के अंदर पेक्टिन नाम का एंजाइम होते हैं, जो कि हमारे गॉल ब्लैडर स्टोन को शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं और ये स्टोन को बढ़ने भी नहीं देते। तो आपको अगर गॉल ब्लैडर स्टोन मींस पित्त की थैली में पथरी की प्रॉब्लम है तो आप नाशपाती का सेवन जरूर करें। देन थर्ड, एक रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि जिन लोगों को गॉल ब्लैडर स्टोन की समस्या है और वो रोज सुबह एक चम्मच हल्दी का सेवन करते हैं, तो ये हल्दी के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, ये हमारे स्टोन को तोड़ने में मदद करती है, साथ साथ शरीर से बाहर निकालने में भी मदद करती है। तो यदि आपको गॉल ब्लैडर स्टोन की समस्या है तो आप रोज सुबह हल्दी का सेवन जरूर करें। देन फोर्थ, यदि आपको गॉल ब्लैडर स्टोन की समस्या है तो चुकंदर, खीरा और गाजर का जूस बनाकर ज़रूर लें। ये आपके गॉल ब्लैडर स्टोन को बाहर निकालने में मदद करता है, साथ साथ नए स्टोन बनने से भी रोकता है। तो चुकंदर, गाजर और खीरे का जूस आप दिन में एक से दो बार ज़रूर लें और आप इसका रिजल्ट खुद देख सकेंगे। देन साबुत अनाजों से बनी चीज़ें आप अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें, ये भी पथरी की समस्या को रोकने में मदद करते हैं, साथ साथ आपके दर्द में भी राहत दिलाते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा पानी पिएं, कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये भी पथरी को गलाने में और पथरी को बाहर निकालने में मदद करते हैं, इसलिए पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ एक्सरसाइज और योगा ज़रूर करें, योगा और एक्सरसाइज भी हमारे गॉल ब्लैडर स्टोन की समस्या को कम करने में मदद करते हैं। देन अब बात कर लेते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अपनी डाइट में बिल्कुल भी नहीं लेना है, आपको अपनी डाइट से बिल्कुल अवॉइड कर देना है। तो सबसे पहले कि जो लोग कॉफ़ी का ज़्यादा सेवन करते हैं या चाय का ज़्यादा सेवन करते हैं, उन्हें कॉफ़ी और चाय को बिल्कुल ही अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि ये आपके पथरी की समस्या को बढ़ा सकता है और दर्द को भी बढ़ा सकता है। इसलिए अगर आप चाय या कॉफ़ी लेते हैं और आपको गॉल ब्लैडर स्टोन की समस्या है और आपकी मेडिसिन भी चल रही है, तो आप इसे बिल्कुल ही अवॉइड कर दें। देन अल्कोहल और स्मोकिंग, बहुत अधिक मात्रा में अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो ये भी आपके गॉल ब्लैडर स्टोन की समस्या को बढ़ा सकता है, इसलिए आप इसे भी अवॉइड करें। देन अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, बहुत अधिक मात्रा में रेड मीट या चिकन का यूज़ करते हैं, तो इसे भी आपको अपनी डाइट से निकालना होगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में फैट होता है, सैचुरेटेड फैट होता है, फैटी एसिड्स फैट्स होते हैं, जो कि हमारे गॉल ब्लैडर स्टोन की समस्या को बढ़ाते हैं और साथ साथ नए स्टोन भी बनाते हैं। इसलिए अगर आपको गॉल ब्लैडर स्टोन की समस्या है तो आप रेड मीट, चिकन बिल्कुल भी ना लें, जिनमें बहुत अधिक मात्रा में
में फैट होता है। देन डेयरी प्रोडक्ट, अगर आपको गॉल ब्लैडर स्टोन की समस्या है तो आप डेयरी प्रोडक्ट का सेवन बिल्कुल भी ना करें। डेयरी प्रोडक्ट में जैसे दूध, दही, छाछ, पनीर, आइसक्रीम, इन चीज़ों को आप बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि इनमें बहुत अधिक मात्रा में वसा होता है जो हमारी समस्या को बढ़ाता है और नए स्टोन भी डेवलप करता है। इसलिए अगर आपको स्टोन की प्रॉब्लम है तो इन चीज़ों को आप बिल्कुल ही अवॉइड करें। इसके साथ साथ ऑयली स्पाइसी फूड आप बिल्कुल ना लें, जंक फूड बिल्कुल ना लें, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत अधिक मात्रा में फैट होता है और ये फैट हमारे स्टोन की समस्या को और दर्द भी बढ़ा सकता है। देन पैक्ड आइटम, पैक्ड आइटम भी आप बिल्कुल भी ना लें, जैसे चिप्स, कुरकुरे, नमकीन, बिस्किट, कुकीज, टमाटो सॉस, वाइट ब्रेड, इन चीज़ों में बहुत अधिक मात्रा में ट्रांस फैटी एसिड्स होते हैं जो कि हमारे स्टोन की समस्या को बढ़ा सकते हैं। तो यदि आपको गॉल ब्लैडर स्टोन की समस्या है तो आप इन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करें। देन मैदा से बनी चीज़ें, चीनी से बनी चीज़ें जैसे मिठाइयाँ, चॉकलेट, चीनी वाली चाय, इन चीज़ों को आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना है। वाइट राइस, इसको भी आपको अवॉइड करना होगा। बादाम, ब्लैक टी, इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियों में आप पालक या टमाटर बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि ये आपकी समस्या को बढ़ा सकता है और नए स्टोन भी डेवलप करता है। इसलिए इन चीज़ों को आप बिल्कुल ही अवॉइड करें। तो आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन सभी चीज़ों से हमारे पित्त में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है, जिससे हमारी समस्या भी बढ़ सकती है। और अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो आपको डाइट फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपकी समस्या ज़्यादा ना बढ़ पाए और केवल मेडिसिन के द्वारा ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, आपको सर्जरी की ज़रूरत ना पड़े। तो आप ये डाइट फॉलो करें और होम्योपैथिक मेडिसिन लें तो आप देखेंगे 2 से 3 महीने में ही आपके गॉल ब्लैडर स्टोन की समस्या दूर हो जाएगी। आज के लिए सिर्फ इतना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोग जागरूक बन सकें और उन्हें भी पता चल सके कि अगर गॉल ब्लैडर स्टोन की समस्या है तो उन्हें अपने डाइट में किन चीज़ों को लेना है और किन चीज़ों को नहीं लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।